हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृतिराज किचन। आज हम बनाने वाले हैं ठंडियों के स्पेशल और काफ़ी हेल्दी मेथी के लड्डू। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम सब ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। हम पहले गोडम्बी को रोस्ट करेंगे और गोडम्बी के बाद हम इन अखरोट, बादाम, पिस्ता और काजू ये सब रोस्ट करके आपको इसे पीस लेना है। ये देखिए, मैंने पीस लिया है। ये जो मिश्रण ड्राई कोकोनट्स और ड्राई डेट्स का है, इसे मैंने दरदरा पीस लिया है। अब हम गेहूं के आटे को रोस्ट कर लेंगे। हम एक कढ़ाई में तेल डालेंगे और तेल में हमें गेहूं का आटे को रोस्ट कर लेंगे। आटे की थोड़ी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। हमारा आटा रोस्ट हो गया है। अब हम इसी कढ़ाई में सिंगाड़े के आटे को रोस्ट करेंगे। अजय, हमारा सिंगाड़ा का आटा भी रोस्ट हो गया है। अब हम मेथी के आटे को रोस्ट करेंगे। यहाँ हमारा मेथी का आटा भी रोस्ट हो गया है। अब हम ड्राई डेट्स और ड्राई कोकोनट के मिश्रण में ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट करके अच्छी तरह से पीस लिया था वो डालेंगे। अब हम इसमें गेहूं का आटा डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने डिंक ले लिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे। मिक्सर में पीसने के बाद हम इसे मिक्स किए हुए मिक्सर में मिक्स करेंगे। बाद में हम इसमें भुना हुआ सिंगाड़े का आटा और मेथी का आटा मिक्स करेंगे। अब हम इसमें किशमिश डालेंगे और इसे भी हम इसमें मिक्स करेंगे। अब हम एक कड़े में तेल डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ गुड़ डालेंगे। जब तक गुड़ मेल्ट ना हो जाए तब तक आपको इसे हिलाते रहना है। गुड़ मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें मिक्स किए हुए मिक्सर में डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने इसे मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें जायफल पाउडर डालेंगे और इसे भी हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। आपको बिल्कुल इस प्रकार के इसके लड्डू बना लेने हैं। अब हम बाकी के भी लड्डू तैयार कर लेंगे। हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय फ्रेंड्स।